अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। यार तो शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। और सबसे पहले सबको ईद मुबारक नहीं बोलेंगे, अभी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ईद की नमाज के बाद ईद मुबारक करेंगे। और हमारे साथ है द किंग, क्या नाम है? यस, ये हंस रहे आगे से। उमर भाई, उमर भाई ये माजरो वाला वस्कर्ट पहन के माशाल्लाह बड़े खुश हो रहे हैं। अंगूर खट्टी। नीचे कौन है? वांटेड। वांटेड क्या? वांटेड। अच्छा, इसका नाम वांटेड है, ठीक है। और अभी ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही थ्रिलिंग सीन होगा क्योंकि कुछ लोग रुकू पे जाएंगे तो कुछ लोग किरात बांधेंगे, तो वो वाला सीन हमारे साथ भी हुआ है और इंशाल्लाह हम भी होता हुआ देखेंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि किस तरह पढ़नी है, लेकिन बाज़ अवकात हो जाते हैं, बच्चे होते हैं। जिस तरह अभी ये बच्ची है माशाल्लाह, अभी इस नमाज पढ़ने आती है ईद की? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कैसी होती है बताओ मुझे? वाह, जो इसको नहीं आती। ये आगे भी जो तीन है ना, ये वो वाले बंदे ना जो कि रात में रुकू पे झुक जाते हैं, या ऐसा होता है कि भाई सब अल्लाह अकबर पे कुछ भी नहीं करते, साथ वाले को देखते यार कि क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे जो कुछ करना है। और ये जो रास्ता है बड़ा हमवार कह सकते हैं, और मुझे पता नहीं हमवार बोलते किसको है। खैर, ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद कुबा नाम है इसका, और यहाँ पे ईद की नमाज़ होगी, साथ ही साथ जुमे की नमाज़ भी इसी मस्जिद में होती है। तो ये रेड रोज़ है, ये मैरिज हॉल है, ठीक है। ये खानपुर रोड है और ये है मस्जिद कुबा, इसमें ईद की नमाज़ होती है, जुमे की नमाज़ भी होती है। और अभी इधर हमने पढ़ने जाना है, अभी तकरीबन टाइम कम्प्लीट हो चुका है। आपको नज़र आ रहा है कोई बंदे शंदे यहाँ पे नहीं, सारे अंदर ही है। ईद की नमाज हो चुकी है और माशाल्लाह छोटे ईद मुबारक ही नहीं चाहिए। तो ईद की नमाज हो चुकी है मेरी तरफ से, और ये जो तीन है इनकी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और अभी जो है ना, कौन ईद मुबारक कर दिया ना मैंने, बस एक दफ़ा होती है, कितनी दफ़ा करूँ मैं। तो इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह, तो उम्मीद है खानपुर कर दिए और कितनी ईद मुबारक करूँ। तो इसके बाद हम जाएंगे खानपुर या कहीं और ये समझ रहे ना, इनकी नज़र में भाई साहब ईदी सिर्फ ये होती है ईद मुबारक। भाई घर जाऊँगा तो दे दूँगा, सब्र रख क्या तू बड़ा वो बन रहे। तो ये जो पीछे लड़के मेरे आ रहे हैं ना, ये इनसे वही छवली हुई जो मैंने पहले बताई है कि रात पर ये लोग रुकू पर चले गए थे, तो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे पर हंसी मजाक कर रहे। तो इस वजह से तुम्हें पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए था, सीखना चाहिए था कि किस तरह होती है ईद की नमाज। तो यार आगे जो होगा ना वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा, ये व्लॉग सिर्फ ईद मुबारक की है। और मेरी तरफ से दोबारा आपको और आपके अहलेहाना को, तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक हो बहुत बहुत। और आज का जो मौसम है बहुत ही कमाल है, यकीन करें ना। इस साइड आसमान साफ नज़र आ रहा है इस साइड पर, और इस साइड देखा जाए तो बादल है। तो मतलब कि बंदा अभी इधर को देख के भाई बारिश वाला वो फीलिंग ले सकता है, और इधर को देख के वो धूप वाला फीलिंग ले सकता है। फिलहाल हमारे ऊपर बादल है ना, तो हम भाई खुश है बस इसी मौसम में।